गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम आपके सामने नेक्स्ट पीवाईक्यू लेके हाजिर हुए हैं। और ये बच्चों जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमारे 2018 सेकंड से रिलेटेड है। यानी कि जो कल हमने पीवाईक्यू की थी वो 2018 फर्स्ट से रिलेटेड थी, अप्रैल से रिलेटेड थी, और ये हमारी सितंबर से रिलेटेड रहेगी। तो आज बच्चों देखेंगे हम कि 2018 सितंबर में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए थे और उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चों हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 2018 सेकंड से रिलेटेड रहेगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। बच्चों इन्होंने पूछा है कि भाई जो फर्स्ट लिस्ट को है वो सेकंड लिस्ट से मिलाइए, यानी कि पहली लिस्ट में जो दिए गए हैं उसको सेकंड लिस्ट से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो बच्चों जब हम इसका आंसर लेते हैं तो बाल गंगाधर तिलक लिस्ट वन में दिया गया, बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक किससे रिलेटेड थे। तो बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने किसके बारे में बताया था। एक्चुअल में बच्चों बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इन्होंने वैदिक सोसाइटी के बारे में बताया था, और इन्होंने कहा था कि वैदिक आर्य जो है वो बच्चों साउदर्न रशिया से आए थे, यानी कि इन्होंने वैदिक संस्कृति से रिलेटेड बताया था। तो इसका मतलब यह है कि द आर्केटिक होम इन द वेदास, यानी कि ए लिस्ट का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए का एक ही रहेगा। इज दैट क्लियर। अब सेकंड पे चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं दादा भाई नारोजी, इन्होंने सेकंड नेम दिया दादा भाई नारोजी, और दादा भाई नारोजी से रिलेटेड क्या है बच्चों। तो मैंने बच्चों लास्ट जो 2018 के फर्स्ट में क्वेश्चन था, देखो बच्चों याद करो, 1866 में ड्रेन ऑफ वेल्थ आया था, और उसी से रिलेटेड लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी कि हमने कल चर्चा भी की थी। अब देखो सेम उसी से रिलेटेड एक रिपीट क्वेश्चन आ गया कि दादा भाई नारोजी से रिलेटेड क्या है। तो बच्चों दादा भाई नारोजी से रिलेटेड है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। ब्रिटिश की वजह से भारत क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। जो सोने की चिड़िया थी, यहां के संसाधन कहां पे जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहे हैं। तो बच्चों बी का क्या रहेगा, फोर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी को। तो बच्चों सी ऑप्शन में हमारे पास है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से रिलेटेड बच्चों देखो 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था आपको, हिंद स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने किन किन चीजों को बताया। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी से रिलेटेड है बच्चों। देखो फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू क्वेश्चन किस लिए करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की स्टेटमेंट को अलग अलग करके क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है, तो हमें इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन करने की जरूरत रहती है। अब बच्चों लास्ट स्टेटमेंट बच गई जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब देखो बच्चों अब हमें इन्हें मैच करना है, यानी कि आंसर क्लिक करना है। तो बच्चों ए का आंसर एक रहेगा। अब हमें देखना है ए का एक कहां पे है, तो हमें सी में दिखाई दे रहा है ए का एक। उसके बाद बी का हमें देखना है चार कहां पे है, तो बी का चार हमें सी में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सी का दो कहां पे है, तो सी में, और डी का तीन कहां पे है, तो हमें ये डी का तीन भी सी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, राइट आंसर जो हमारा रहता है वो सी रहता है। तो बच्चों हो सकता है अगली बार इन्हीं लिस्ट को चेंज कर दिया जाए और दोबारा से स्टेटमेंट पूछ ली जाए, तो ये आंसर आपके चेंज हो जाएंगे और स्टेटमेंट बदल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, इसलिए हमें पीवाईक्यू करने की जरूरत होती है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2018 सेकंड से रिलेटेड है, 2018 सेकंड से रिलेटेड है। बच्चों अब इन्होंने कहा कि करेक्टली पेयर कौन सा है, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो इन्होंने दिया बच्चों संकरा, संकरा के साथ इन्होंने क्या दे रखा है, अवधुता, बिल्कुल गलत है। रामानंदा के साथ केवलादित्य, गलत है। इसके बाद रामानुजा के साथ विशिष्टा देवत्य, विशिष्टा दित्य, ये मैंने आपको बताया था
द्वितीयवाद, अद्वितीयवाद, विशिष्ट द्वितीयवाद, द्वादित्यवाद, ये क्या थी? फिलोसफी थी बच्चों। और रामानुजा की फिलोसफी बिल्कुल यहां पे राइट है, यानी कि रामानुजा के साथ क्या था? विशिष्ट द्वितीया रामानुजा ने फिलोसफी दी थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? सी रहेगा हमारा। और ये बच्चों क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? एक्चुअल में जब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आदि गुरु शंकराचार्य के टाइम जो फिलोसफी चल रही थी और आदि गुरु शंकराचार्य ने दर्शन दिया, उसके बाद शंकरा का आया, रामानंद का आया, रामानुजा का आया, चैतन्य महाप्रभु का आया, इस टाइप के ये मतलब फिलोसफी आई। तो उन्हीं में से एक थे रामानुजा जिन्होंने विशिष्टादित्य दर्शन दिया। तो हमें क्या करना है? ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी बच्चों। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है, देखो बच्चों एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि 2018 के फास्ट का ये क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वाज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में विजयनगर किंगडम में कौन आया? अब देखो बच्चों, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन इटली से था और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया, सॉरी डियर, विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? और ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है बच्चों? एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो बच्चों निकितिन गलत, रशिया से रिलेटेड था। फहायान ये बच्चों चाइना से रिलेटेड था, चलो हम लिख लेते हैं चाइना, ये रशिया, रशिया। बर्नियर ये बच्चों ब्रिटेन। और इसके बाद निकोलो कांटी, मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य में जब कृष्ण देवराय, जिसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था, उसका प्रशासन चल रहा था, तो निकोलो कांटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और इसने विजयनगर साम्राज्य को, साम्राज्य के बारे में बताया कि ये साम्राज्य बहुत ज्यादा विकसित और व्यापार, ट्रेड, एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में ये राज्य बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। तैयार कर दो भाई, कॉफी को मिक्स कर दो ना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश इट फैक्ट्री इन इंडिया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कार्यालय कहां स्थापित किया बच्चों? ये एनडीए 2018 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैंने आपको बार बार कहा था कि बच्चों क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ये जब हम देखो भारत में पांच टाइप की कंपनियां आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इस टाइप की ये कंपनियां आई। तो इन कंपनियों ने बच्चों अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्री लगाई। यहां पे बच्चों हमें देखने का मतलब ये है कि फैक्ट्री का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? प्रोडक्शन यूनिट होता है फैक्ट्री का मतलब, लेकिन यहां पे कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट यहां पे नहीं लगाया जा रहा। यहां पे क्या किया जा रहा है बच्चों? फैक्ट्री का मतलब ये था कोठी बनाई जा रही थी और वहां पे अपना सामान, यानी कि इंटरनल एरिया से जो सामान परचेज करना होता उस सामान को लाके ये लोग स्टोर कर देते और उसके बाद इस सामान को ये लोग आगे भेज देते। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि यहां पे जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में एस्टेब्लिश हुई वो बच्चों सूरत में हुई, और सूरत में इन्होंने सबसे पहले 1668 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, 1668 में, और 1664 में इन्होंने व्यापार करने के लिए अपनी कंपनी बनाई जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, या ओस्ट इंडी से, ओस्ट ओरिएंटल इंडी से कंपनी भी बोलते हैं, एक्चुअल में इसका फ्रांसीसी नेम था ये। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, Who among the following leaders started the Indian Home Rule League? निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की? भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। मैंने आपको बताया था कि इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत करने वाले दो ही लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले, नहीं बच्चों ये मॉडरेट लीडर थे, और शांति प्रिय लीडर थे महात्मा गांधी, नहीं बच्चों जे बी कृपलानी, नहीं बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट, एनी बेसेंट।
इन दोनों ने बच्चों होम रूल लीग की शुरुआत की और दोनों ने अलग अलग जगह शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर महाराष्ट्र का कार्यभार था और एनी बेसेंट के ऊपर महाराष्ट्र को छोड़ के जहां जहां बाल गंगाधर तिलक का कार्यभार था उस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया के ऊपर एनी बेसेंट को कार्य करना था होम रूल लीग के अकॉर्डिंग। अब बच्चों होम रूल लीग कब चली, तो जब बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट के आए तो इन्होंने शांति प्रिय यानी कि संस्था के अकॉर्डिंग रहते हुए आंदोलन करना सही समझा, क्योंकि अगर गरम दल के तरीके से ये आंदोलन चलाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट के तरीके से आंदोलन चलाएंगे तो फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने आयरलैंड के आंदोलन से शिक्षा लेते हुए, जो कि अरुणडेल कमेटी का आंदोलन था, और उससे शिक्षा लेते हुए इन्होंने भारत में भी होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट का स्टार्टिंग किया, जो कि एक्चुअल में आयरलैंड का आंदोलन था और भारत में ये आंदोलन मद्रास और महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे चला। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, द पैलेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल्ड इन मद्रास वाज नाउ इज, मद्रास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्ती के स्थान के रूप में जाना जाता था। देखो बच्चों एनडीए 2018 के सेकंड का क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार जब मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज मैसूर को कैप्चर कर रहे थे तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की चार लड़ाइयां हुई, एंग्लो मैसूर वॉर 1, एंग्लो मैसूर सेकंड, एंग्लो मैसूर थर्ड और एंग्लो मैसूर फोर्थ। 2 हैदर अली के साथ हुई और सेकंड फाइट में हैदर अली किसी बीमारी की वजह से मर जाता है तो टीपू सुल्तान उस लड़ाई को जारी रखता है। उसके बाद बच्चों 2 टीपू सुल्तान के साथ हुई, तो एक लड़ाई जब बच्चों हो रही थी यानी कि जब फास्ट लड़ाई हो रही थी तो उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास भी हुई, क्योंकि हैदर अली ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और उस समय हैदर अली पावरफुल था बच्चों। हैदर अली ने नवाब मराठों को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेजों के साथ फाइट भी की और अंग्रेजों को अपनी सीमाओं से बाहर रखा। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है, अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर जो हमारे पास दिखाई देता है एक्चुअल में 6 का फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम बच्चों कलकत्ता में था सी, और कलकत्ता है बंगाल में तो बच्चों फोर्ट विलियम नहीं होगा, ए आंसर गलत हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, बच्चों मैंने बताया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का घेरा डाल लिया था और जब फ्रांसीसी लड़ाई हुई थी, फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी जिसको हम थ्री कर्नाटक फाइट भी बोलते हैं, थ्री कर्नाटक वॉर भी बोलते हैं, तो उसमें भी ड्यूप्ले ने जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसने फोर्ट सेंट जॉर्ज का घेरा डाल लिया था और ये कलकत्ता का फोर्ट था और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि फोर्ट सेंट को वो जीते। तो बच्चों 6 का हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। एलिफिस्टन सर्कल ये भी नहीं है, मार्बल पैलेस ये भी बच्चों नहीं है, ये दोनों के दोनों कलकत्ता में है और एक्चुअल में ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों हम, द थियोसोफिकल सोसाइटी वाज लीड बाय, भाई थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने लीड किया। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, 2018 सेकंड का क्वेश्चन थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड कि भाई थियोसोफिकल सोसाइटी को एक्चुअल में इसको चला कौन रहा था, तो थियोसोफिकल सोसाइटी को बच्चों एनी बेसेंट ने चलाया। राइट आंसर आपका एनी बेसेंट। ए ओ ह्यूम कौन थे, कांग्रेस के फाउंडर थे 1885 में, और ब्रिटिशर एक्चुअल में ये ब्रिटिश सिविल सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर थे। लॉर्ड डर्फिन ये तो भाई वॉइसराय था भारत का। आर्थर ग्रिफिथ ये भी बच्चों गवर्नर के साथ रहते हैं यानी कि सर्विसेज में रहते हैं, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। तो राइट आंसर रहेगा आपका एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट ये भी बच्चों एनडीए 2018 से रिलेटेड है यानी कि एनडीए 2018 से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और क्वेश्चन है क्या बच्चों देखते हैं हम, Which one of the following statement about Vipin Chandrapol is correct? भाई मैंने आपको बताया था लाल बाल पाल तीनों क्या है, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के लीडर, पढ़ा था हमने। He was a member of the moderate group of Congress. एक्सट्रीमिस्ट है तो moderate का तो कोई मतलब ही नहीं, सिंपल सा कोई मतलब नहीं moderate का। He was a member of the extremist group of Congress.
बिल्कुल राइट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस का मेंबर रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, स्टेटमेंट राइट है। लेकिन इस राइट स्टेटमेंट के साथ हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी कवर करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बी के साथ। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, नहीं। इसके बाद ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। भाई बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री थोड़ी ना थे, और उस समय अंग्रेजों के टाइम तो मुख्यमंत्री होते ही नहीं थे, प्रधानमंत्री होते थे। स्टेट के प्रमुख को प्रधानमंत्री बोला जा रहा है। तो बच्चों राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक। इज दैट क्लियर? तो बच्चों एनडीए 2018 सेकंड का ये क्वेश्चन है हमारे, और हो सकता है अगली बार इसकी स्टेटमेंट इस प्रकार दे दिया जाए कि नोट करेक्ट। तो नोट करेक्ट, तीनों नोट करेक्ट है और एक हमारा बी करेक्ट रहेगा। तो राइट आंसर हमारा इसका बच्चों बी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नाउ इज वितस्ता। निम्नलिखित में से किस नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था? बच्चों हमने वेदिक एज को किया था और आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे एंशियंट हिस्ट्री से, जहां से एनडीए में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते थे। तो मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदिक एज, और वेदिक एज के बाद मौर्य डायनेस्टी, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, या जैनिज्म बुद्धिज्म, दोनों के दोनों धर्म। अब बच्चों ये वेदिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वितस्ता का जो पुराना नेम है, मतलब वितस्ता पुराना नेम है, उसका आज का नेम क्या है? आज का नेम क्या तिस्ता है? बिल्कुल गलत, तिस्ता कोई नदी नहीं है। तुंगभद्रा है? बिल्कुल गलत बच्चों। भरतपुजा? नहीं भाई, झेलम। पांच नदियों की धरती पंजाब, रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, सिंध, पांचों में से एक झेलम। और इन प्रदेशों को क्या कहा जाता था बच्चों? सप्त सैंधव प्रदेश। जो वैदिक एज की संस्कृति थी उसको बोला जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब सात नदियों की धरती, या ब्रह्म ऋषि देश, ऋषियों की धरती। और वैदिक एज हुआ कब? तो बच्चों 1500 BCE टू 600 BCE। बट इसका 1500 BCE टू 1000 BCE तक, बिफोर कॉमन एरा तक फर्स्ट फेज रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऋग वैदिक फेज, और उसके बाद पोस्ट वैदिक फेज या लेटर वैदिक फेज। इसको उत्तर वैदिक संस्कृति भी बोलते हैं और इसको ऋग वैदिक संस्कृति भी बोलते हैं। तो दो फेज रहे वैदिक एज में, एक 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हमें एंशियंट हिस्ट्री से भी मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पे ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों। आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर नेक्स्ट स्लाइड लेके और कुछ और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट के एग्जामों में PYQ के, वो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। इतने तक के लिए बच्चों आप इन सारे क्वेश्चनों को 1x1 कीजिए, और इनके जो गलत आंसर है उनको भी सही से चेक कीजिए कि वो गलत क्यों है और उनके पीछे रीजन क्या है गलत होने के पीछे। जय हिंद, जय भारत।